हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रायंगल लॉ करते हैं। ये जब हमारे पास किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लगेंगी तो जो उसका रिजल्टेंट है यानी वो बॉडी किस तरफ जाएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन से ही बच्चे को डर लगने लग जाता है। सॉरी, इतनी बड़ी, ये देखने में बहुत बड़ी है लेकिन समझने में बहुत ईजी है। चलो पहले हम इस डेरिवेशन को याद करते हैं। जब देखते हैं, इफ़ टू फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड, दो फोर्सेस रिप्रेजेंट करती हैं both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order। पहले हम यहाँ तक definition को देखते हैं। ठीक है, two forces, सबसे पहले कितनी forces हैं, two forces। मैंने मान ली एक force ये है F1 और एक force मान ली मैंने F2। ये two forces ले ली मैंने। ठीक है सर, there are two forces। अभी देखो, ये इसका magnitude मान लिया और direction इसकी इस तरफ है, इतना इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की वो भी मैं बना देता हूँ। वो थर्ड साइड जो ट्राइंगल की है वो इस तरफ है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, भी आप कन्फ्यूज ना हो, वी F1 कौन सी है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया ये F1 फोर्स है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के हिसाब से। अभी जो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमेशा, इसको भी और इसको भी वेक्टर फॉर्म में, मीन्स ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है सर। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज़ द सेम ऑर्डर? सेम ऑर्डर का मतलब है अगर आपने यहाँ से स्कूटर उठाया, उस स्कूटर को यूं करके यूं ले गए। ठीक है, यानी ये नहीं है एक बार स्कूटर यहाँ आ रहा है और एक बार ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी टेकन इन सेम ऑर्डर मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों मतलब अगर स्कूटर इस तरफ जा रहा है तो स्कूटर इस तरफ ही जा रहा है। ठीक है, अभी सेम ऑर्डर के बाद चलते हैं। देन देयर रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, यानी अगर ये दो फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही हैं तो जो रिजल्टेंट है इज रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली, वो पूरी तरीके से समझाया जाएगा, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। यानी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर का क्या मतलब है, उसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट होगी, यानी वो इस तरफ होगी। यानी ये हमारा रिजल्टेंट होगा, अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया तो ये स्कूटर वाला एक बार यूँ जा रहा है और दूसरी बार ऐसे जा रहा है। ऑर्डर होता तो यूँ करके यूँ घूम के आता है। देखो जैसे एक घड़ी चलती है, ये एंटी क्लॉक है, ये दोनों क्या हैं, एंटी क्लॉक जा रहे हैं और ये क्या जा रहा है, क्लॉक वाइज घड़ी की तरह घूम रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ आर वैक्टर इज इक्वल टू F वैक्टर प्लस F2 वैक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट है, तो ये हमें क्लियर हो गया। तो अभी इसको आगे देखते हैं, इसका एनालिटिकल मेथड क्या है, इसको कैसे इसका प्रूफ करना है वो देखना है अभी हमने। ठीक है, इसका आगे प्रूफ भी है। तो बेसिकली हमने जब समझना है डेफिनेशन स्कूल में, जब भी हमें कॉलेज में किसी ने पूछना है बोर्ड के पेपर में, तो हमने ऐसे लिख देनी है। चलो आप इसको आगे करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं ट्राइंगल लॉ का। चलो ट्राइंगल लॉ के साथ पहले पैरेललोग्राम भी देख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ इकट्ठा ही कर देंगे, क्योंकि दोनों के जो प्रूफ हैं दोनों के करीब करीब सेम है। पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, तो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिख दूंगा छोटी सी। इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऐसे लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम को मैं, ठीक है, पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द टू फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस is represented by the diagonal of the parallelogram। देखो ये मैंने थोड़ी अपनी लैंग्वेज में लिखा दी है, लेकिन थोड़ी ईजी है ये डेफिनेशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ से थोड़ी मैंने ईजी कर दी। मैंने ये बोला अगर दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की, अभी इसको देखते हैं कैसे। सपोज मैंने एक बॉडी मान ली, ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पर दो फोर्सेज लग रही हैं और जो दो फोर्सेस लग रही हैं वो मैंने एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी एक फोर्स मैंने ये मानी F1 और दूसरी फोर्स मैंने ये मानी
एफ टू, ठीक है, ये दो फोर्सेस लग रही हैं इस पे। तो अगर हम इसका पैरेललोग्राम बनाएं तो यूं यूं करके हम इसको पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द पैरेललोग्राम। तो जो डेफिनेशन है वो कहता है इस बॉडी पे ये दो फोर्सेस लग रही हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से आएगा। वो कहता है जो ये डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है ना, दिस वन, ये जो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है वो इसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करता है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस वन इज द रिजल्टेंट, ठीक है। अगर इसमें वेक्टर डालें तो देखो वही डल जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा एफ वन प्लस एफ टू, दिस इज द रिजल्टेंट जो ट्राइंगल लॉ में आया था, ठीक है। यानी ये दोनों फोर्सेस में मैंने सपोज मान लिया एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे दो फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही हैं एफ वन एंड एफ टू, देन उनका जो रिजल्टेंट है वो आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो ये डेफिनेशन थी पैरेललोग्राम लॉ की। अब दोनों ही लॉज को जो ड्राइव करना है एनालिटिकल वे में, वो दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, तो वो हम करेंगे अब। तो वो अपने अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है, जो आपको क्लियर होना चाहिए पूरा अच्छी तरीके से, कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उसको कर सकें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हम प्रूफ देखते हैं। जो दोनों में फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैंने मान लिया सपोज़, जैसे मैं पहले ट्राइंगल लॉ के हिसाब से यहाँ बताऊंगा और यहाँ पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से, ठीक है। दोनों लॉ के जो डेरिवेशन हम इकट्ठी करेंगे, सर बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है सर, दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, जल्दी काम हो जाएगा हमारा। तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से पहले हमने ये ली फोर्स एफ वन और ये ली एफ टू, और इन दोनों में जो एंगल है एफ वन और एफ टू में वो ये है थीटा। सर क्या बात कर रहे हो, दोनों में एंगल ये कहाँ से हो गया? सर F1 और F2 में तो सर ये एंगल हमें तो ये वाला लग रहा है, ये वाला एंगल है सर, हमें तो ये लग रहा है F1 और F2 में एंगल, और सर F1 और F2 में आप ये एंगल कह रहे हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मेरे को किसी बच्चे ने पूछा सर इस और इस लाइन में एंगल बताओ, तो मैं बोलूँगा बेटा इन दोनों में एंगल है थीटा, ठीक है सर। तो फिर सर आपने ये थीटा क्यों नहीं लिया? अभी दूसरी चीज़ देखो, अगर मैंने ये कह दिया भी ये है और ये है दूसरा, अभी देखो ये जो एरो थे ये दोनों ही इस पॉइंट से दूर जा रहे थे, हाँ सर दूर जा रहे थे, तो जब किसी पॉइंट से दोनों एरो दूर जाएं तो उनमें एंगल बताया जा सकता है। अब ये देखें, ये जो एरो है वो पॉइंट के दूर है और ये एरो पॉइंट के पास है, यानी अगर कोई बच्चा इन दोनों में एंगल ये थीटा बोलता है तो वो ये एंगल गलत बोल रहा है। तो सर इसका एंगल कैसे बताएंगे अगर एक तरफ आए और दूसरा दूसरी तरफ जाए? फिर एक को आगे ले जाओ, ये जो एरो है इसको मैं आगे ले गया, ये देखो ये एरो मैं आगे ले गया, ये वाला एरो आगे ले गया, ये इन दोनों में एंगल है, यानी इसके और इसके बीच में ये एंगल ना हो कि ये एंगल माना जाएगा। तो ये देखो ये इस साइड है और ये इस साइड है, इसमें एंगल ये नहीं बोल सकते, इसको हम एफ वन के एरो को आगे ले गए और हमने देखा एफ वन और एफ टू में ये एंगल थीटा है। चलो सर ये तो हमें समझ में आ गया भी एफ वन और एफ टू में एंगल थीटा है, देन दिस वन इज़ द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है। चलो सर ये भी क्लियर हो गया। चलो अभी हम जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से देखेंगे तो उसमें डायग्राम कैसा बनेगा वो हम देखते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से ये हमारा एफ टू है और ये हमारा एफ वन है, ठीक है सर, ये दोनों क्लियर है। सर पैरेललोग्राम बना दो, सर पैरेललोग्राम बना देते हैं, ये देखो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, ये एफ वन आ गया और ये एफ टू आ गया। सर इन दोनों में तो एंगल सर यही होगा, हाँ बेटा ये दोनों एरो दूर जा रहे हैं, यानी इन दोनों में एंगल यही है, ये एंगल थीटा है। चलो सर ये भी समझ में आ गया। चलो अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, कैसे रिजल्टेंट निकालना है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जो हमें नहीं चाहिए हम उसको रब कर लें, हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो एफ टू है थोड़ा सा डार्क हो गया, इसको भी ठीक कर देते हैं, ये थीटा भी दोबारा से ड्रॉ कर देंगे। जल्दी से देखो, ये हमारा हो गया एफ टू, ये हमारा हो गया थीटा। हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर लिया यहाँ से यूं करके यूं, और इसको भी यूं यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, और हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। चलो सर ये समझ में आ गया, ये एक्सटेंशन थी। सिमिलरली हमने यहाँ भी एक्सटेंशन दे दी, इसको आगे ले गए लाइक दिस वन, और इसको यहाँ से एक्सटेंड कर लिया और परपेंडिकुलर नीचे डाल दिया। चलो सर ये भी ठीक है, हमें समझ में आ गया। अभी ये एफ टू है तो सर ये भी एफ टू है, ये थीटा है तो सर ये भी तो एंगल थीटा ही होगा, हाँ बच्चे ये भी थीटा ही होगा। तो F2 के साथ आपको सर ने बताया अगर ये टोटल F1 है और ये F2 है तो जिसके साथ एंगल आता है बच्चे वो क्या होता है, F2 cos के साइन। सर ये आपने बताया था जिसके साथ एंगल आता है वो cos थीटा होता है,
तो ये F2 cos थीटा हो गया, और ये कितना हो गया सर, ये F2 sin थीटा। चलो सर ये तो क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर इसमें देखें तो ये F2 है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये F cos थीटा हो जाएगा, F2 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा सर, ये F2 sin थीटा। ठीक है, अभी जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है उसका जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ है बताओ सर। रिजल्टेंट तो दोनों फोर्सेस का जो पैरेललोग्राम का जो हमारा डायगोनल होता है वही होता है, या नहीं है, रिजल्टेंट था उसका। ठीक है, आप दोनों डायग्राम देखते हैं, मैं दोनों में ट्राइंगल के नाम देता हूँ ABC, और इधर देखो ABC, क्या दोनों एक जैसे ही हैं ट्राइंगल? हाँ सर दोनों एक जैसे ही हैं। ये R है, ये R है, ये F1, ये F1, ये F2 cos थीटा, ये F2 cos थीटा, ये F2 sin थीटा, ये F2 sin थीटा। सर सारा का सारा बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अभी हमने इस ट्राइंगल को एक दोबारा से बच्चों को थोड़ा ईजी करके समझ में आ जाए तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। देख रहा हूँ तीसरी बार ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर अब भी आप नहीं करोगे ना तो बहुत गलत बात है आपकी। ठीक है, फिर तो गुस्सा हो जाऊँगा मैं भी, ये टीचर इतना आराम से पढ़ा रहा है आपको और आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो कितनी गलत बात है। देखो अभी ये है R सर, ठीक है, अभी ये साइड F1 प्लस F2 cos थीटा, F1 प्लस F2 cos थीटा हो गई टोटल, और ये कितनी है सर, ये F2 sin थीटा। देखो ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है आपको, ये वाला देख लो चाहे ये वाला देख लो, दोनों सेम ही चीज़ें। हाँ सर ठीक है, अभी हमने क्या लगाना है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम 90 डिग्री का फॉर्मूला जो बचपन में किया है, हाइपोटेन्यूस का स्केयर किसके बराबर होता है सर, परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर सर, इसके बराबर होता है। चलो सर बहुत बढ़िया, तो अभी इन दोनों में फ़र्क ही क्या रह गया, दोनों सेम ही हो गए। हाँ सर दोनों की डेरिवेशन सेम हो गई, एक करो तो दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। चलो हाइपोटेन्यूस बताओ सर, हाइपोटेन्यूस तो R है तो R का स्केयर डालते हैं यहाँ पर। परपेंडिकुलर कितना है सर, F2 sin थीटा, F2 sin थीटा का होल स्केयर हो जाएगा, प्लस बेस कितना है सर, बेस पूरा ही है सर, दोनों को ऐड करके लिखेंगे, F1 प्लस F2 cos थीटा का होल स्केयर। चलो सर ये भी हमें समझ में आ गया, भी ये होल स्केयर के हो गया क्योंकि ये टोटल होल स्केयर था उसका। चलो आगे चलते हैं, देन अब इसको आपको फॉर्मूलेस थोड़े 10th के याद होने चाहिए। ये आर का स्केयर आ गया, तो इसको खोलोगे तो ये F2 का भी स्केयर हो जाएगा और साइन स्केयर थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, इसको खोलोगे तो इसमें a प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला लगना है, a प्लस बी का होल स्केयर, ये a मान लो, ये b मान लो, a और b, तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ये लगाना है सारा। पहले हम a स्केयर यानी F1 का स्केयर करेंगे, फिर b स्केयर यानी फिर इसका स्केयर करेंगे, फिर 2ab, 2a ये और b ये है, F1 F2 cos थीटा। चलो सर ये भी समझ में आ गया, सारा का होल स्केयर कर दिया तो हमें समझ में आ गया। अभी इन दो टर्म को देखना है, ठीक है, ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ये पेपर में आएगी आएगी पक्का। ठीक है, अब इन दोनों में से F2 स्केयर कॉमन आ रहा है तो हम इसको अब इस तरफ लिख रहे हैं, हमारे पास जगह कम हो गई है, तो जो R का फार्मूला आ गया R स्केयर इक्वल टू ये जो आ जाएगा हमारा, ये आ गया F1 स्केयर, पहले लिख लेते हैं F1 स्केयर, फिर इन दोनों में से F2 स्केयर कॉमन आ गया सर। ठीक है, अंदर क्या रह गया, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। चलो सर ये भी समझ में आ गया, और क्या रह गया सर, ये एक टर्म रह गई पूरी की पूरी, यानी प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। चलो सर ये भी हमें क्लियर हो गया, ये सारा कैसे आ गया। अभी साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 होता है, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है 10th में, तो जो रिजल्टेंट का स्केयर आ गया वो आ गया फाइनल आंसर F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला, एंड फाइनली अगर स्केयर को हटाना तो इस तरफ अंडर रूट डाल देंगे तो हमारा ये जो आंसर आएगा F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सर ये बिल्कुल ईजी था, ये हमारा रिजल्ट है जो कि हमने याद करना है, कैसे भी याद करो बट लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला, ये आपको अच्छी तरीके से सोते उठते हर एक टाइम ये आपको याद होना चाहिए। अब वो पूछेगा भी रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, वो किस तरफ जा रहा है, वो किस तरफ जा रहा है, तो हम ये एंगल ले लेते हैं। सपोज ये मैंने टोटल एंगल तो थीटा है, ये टोटल एंगल थीटा है, मैंने ये एंगल ले लिया, ये हमने माना ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, इसको मैंने बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये मैंने बीटा मान लिया,
तो मैं इस ट्राइंगल ए सी बी में, इन ट्राइंगल ए सी बी टेंजेंट बीटा ये बीटा, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, सर परपेंडिकुलर है एफ टू साइन थीटा, और बेस कितना है सर, ये पूरे का पूरा ऐड करके लिखना है सर, एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। तो चलो अभी तक, अभी ये पूरी डेरिवेशन, ये डायरेक्शन है, तो यहाँ तक अभी आपने करनी है। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि ये फॉर्मूलेस कैसे अप्लाई करने हैं, तो हमें वो क्लियर हो जाएगा।